कैसे आप लोग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले जिस मूवी की जो ट्रेलर निकल के आ रही है वो है ईटी मूवी की। तो आप लोग को पता होगा आफ्टर जय भीम के बाद में काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग, मैसिव फैन फॉलोइंग जो है हमारी नॉर्थ ऑडियंस के साथ में भी हो गई है। और फिल्म की जैसी वो जॉनर थी उसके बाद में ये जो न्यू जो मूवी आई है ईटी, इसकी जो जॉनर है वो मास होने वाली है। और फिल्म की जो टीज़र निकल के आई थी ना उससे कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं मतलब ना रिवेंज एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। और फिल्म को जिस उस लुक पर और जिस टाइप की इस मूवी की हाइप बनी हुई है वो काफ़ी बेहतरीन है। मगर मुझे कहीं ना कहीं है ना इस मूवी के फिल्म मेकर से कि आप लोग फिल्म मेकर जब किसी फिल्म को हिंदी में रिलीज करना चाहते हैं, नॉर्थ ऑडियंस के साथ में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मुझको अच्छी तरीके से उसे प्रिपरेशन करके आना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा इसकी जो टीजर आई थी, सन मराठी नाम की जो चैनल है उस पर हिंदी इसकी जो टीजर आई थी, आप लोग सोचो इतनी डेड चैनल है उस पर फिल्म अभी एक मिलियन भी व्यू नहीं होंगे उस टीजर की। तो आप लोग सोचिए फिल्म को हाइप और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। और सन मराठी आप लोग सोचिए इस मूवी को इस जो चैनल पर रिलीज किया, कम से कम उसे हिंदी चैनल के नाम पे आप लोग सोचिए सन मराठी कौन सर्च करेगा हिंदी के लिए, ऐसे भी कुछ लॉजिक्स नहीं लग रही हैं। अच्छा छोड़िए इधर की बात, अगर हम बात खत्म करते हैं तो आप लोग पता होगा सूर्या जो है जय भीम पे थे, इतनी अच्छी उनकी मूवी जो निकल के आई थी नॉर्थ ऑडियंस को काफी अच्छा प्रभावित किया था उन लोगों ने। तो उनकी जो मूवी है मास ऑडियंस के लिए फिर से प्रेजेंट है, जो उन लोग जाने जाते हैं जिस मूवी के लिए ईटी, उसी का जो ट्रेलर है वो कल 11:30 बजे के दिन मतलब कि दिन के 11:30 बजे वो हमें देखने को मिल जाएगी, एटलीस्ट सभी लैंग्वेज में तो देखने को मिल जाएगी। ऐसी उनकी अभी जो खबर निकल के आ रही है ऐसी निकल के आ रही है। पर कहीं ना कहीं जितने मूवीज़ के भी आ रहे हैं आप लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुष्पा आई थी उस पर जो टेक्निकल इशू था समझ आया, चलो पहला फिल्म में कुछ हो सकता है। उसके बाद दूसरी आई, तीसरी आई, अब ये चौथी ईटी, इसके बाद सभी फिल्म मतलब नॉर्थ ऑडियंस जो फर्स्ट हाइप में जैसे कि वाली में आई थी, उसके बाद आप बात देखेंगे अभी जो रिसेंट गई खिलाड़ी, सब कोई एक ना दिन दो दिन डिले कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आप लोग कर क्या रहे हैं यार फिल्म मेकिंग के नाम पर। तो मुझे यही कहना है कि आप लोग अगर रिलीज़ करेंगे कल के दिन पर ट्रेलर तो सभी लैंग्वेज को एक साथ भी कीजिएगा, जिसके साथ फैंस भी बने रहें, आपकी फिल्म को पर हेटिंग ना मिले। और आप कहीं ना कहीं अगर हिंदी वर्जन को फिर एक दिन डिले करते हैं तो फिर हम लोग ऑडियंस जो है वो चुप बैठे रहेंगे कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सबको रिलीज करने के बाद हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप अगर हिंदी पे रिलीज करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि लोगों तक कोई मूवी है वो पहुंचे। अब देखते हैं कल जो निकल के आएगी ट्रेलर, वो तो अच्छी निकल के आनी है, और ट्रेलर जब निकल के आएगी तो क्या बवाल मचाएगी, वो तो हमें कल देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने जरूर रहिएगा किसी तरह की मूवी के अपडेट्स के लिए। और जाते जाते मैं एटलीस्ट एक बार फिर बता दूं आपको, जो ईटी मूवी की ट्रेलर है वो आपको कल 11:30 बजे देखने को मिल जाएगा सुबह के। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे उसकी रिव्यू के लिए, और किसी भी तरह की अन्य मूवी की जो अपडेट्स आएंगे उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। बाय बाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पे दोस्तों। बाय बाय।